दो बार चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाला एकलौता गेंदबाज दो बार किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ा, जंग में पांच बार मरते मरते बचा, कोलकाता का एक क्रिकेटर फिर बना पत्रकार। कहने के तो एक क्रिकेटर था, लेकिन इस खिलाड़ी ने जिस भी क्षेत्र में काम किया उसी में कामयाबी के झंडे गाड़ कर मिसाल पेश की है। नाम एक रूप अनेक इस खिलाड़ी पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो इसलिए क्योंकि एक क्रिकेट की दुनिया का अद्भुत रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी भी है तो दुर्गम पर्वतों की चोटियां फतह करने वाला पर्वतारोही भी। ए जंग में टैंक कमांडर की भूमिका भी निभा चुका है तो पत्रकार का पेशा भी इसने अपनाया। मजे की तो बात ये है कि इस खिलाड़ी ने जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाया सभी में अपने हौसले और कभी हार न मानने के जज्बे से खूब सुर्खियां बटोरी। इस खिलाड़ी को हम आज आपसे रूबरू करा रहे हैं तो इसकी वजह भी बेहद खास है। वो एक ही आज यानी 28 मई के ही दिन इस बेमिसाल इंसान का जन्मदिन होता है। बात साउथ अफ्रीका के नायब हीरे यानी लाजवाब क्रिकेटर बॉब क्रिस की। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज बॉब क्रिस का जन्म 28 मई में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। अब का कोलकाता तब कलकत्ता कहलाया करता था। बताने की बात यही है कि तब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। बॉब ने शुरुआती क्रिकेट साल 1929 से लेकर 1931 तक रोडेशिया के लिए खेला। 1931-1932 के सीजन में वेस्टर्न प्रोविंस का रुख करने में पहले उनके खाते में 7 विकेट थे। वेस्टर्न प्रोविंस ने छूटने के बाद उनका सितारा तेजी से बुलंद हुआ। 1931-1932 के सीजन में उन्होंने 33 विकेट हासिल किए। अगले सीजन में 26 विकेट खाते में जुड़े तो उसके अगले में 27 शिकार किए। इनमें 64 रन देकर 9 विकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल रहा। बॉब क्रिस के करियर की एक खास बात यह है कि वो दुनिया के एकलौते क्रिकेटर है जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दो बार लगातार चार गेंदों पर चार विकेट हासिल किए। लेकिन बॉब की पहचान इतनी ही नहीं है, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा क्रिकेट से हटकर भी रहा। इसमें वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान युद्ध में सेवाएं देते हुए 3rd रॉयल टैंक रेजिमेंट के कमांडर भी रहे। इस दौरान जंग में वो कुल 5 बार घायल हुए। इस दौरान कई बार मरते मरते बचे। उनके सिर पे कई गंभीर चोटें आई और इन्फेक्शन का खतरा भी लगातार बढ़ता रहा। इतना ही नहीं, क्रिस दुनिया के एकलौते टेस्ट क्रिकेटर भी है जिन्होंने दो बार माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की है, वो भी 2 हफ्तों में 2 बार। इसके अलावा उन्होंने पत्रकार के तौर पर भी अपना करियर बनाया और विस्टन समेत कई अखबारों के लिए लेख लिखे। बॉब ने इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए 15 जून 1935 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। विरोधी टीम इंग्लैंड की थी। बॉब ने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 9 टेस्ट मैच खेले जिनमें उनके खाते में 20 विकेट आए। इनमें 99 रन देकर 5 विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बॉब ने 62 प्रथम श्रेणी मैचों में 276 बल्लेबाजों को आउट किया। क्रिस का साल 1994 में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।